मैरिनेशन के लिए हम इसमें मिला देंगे थोड़ा सा नमक, हाफ टी स्पून, हल्दी पाउडर थोड़ा ही मिलाना है, ये भी हाफ टी स्पून, इसमें हम मिला देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये भी हमने क्रश करके रखा है, और हम इन चीज़ों को अच्छे से मैश कर देंगे। ये हमारा अच्छे से मैरिनेशन हो गया है। तो अब हम फिश को फ्राई करेंगे, हम इसमें डाल देंगे ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, हम इसमें ही फिश डाल देंगे। बस 4 से 5 मिनट ही हम इसको फ्राई करेंगे और फिर उसके बाद में बाहर निकाल लेंगे फिश को। अगर आप लोग चाहें तो इसको कम ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, जैसे कि हम कबाब बनाते हैं उस टाइप से आप फ्राई कर सकते हैं। तो फिश फ्राई हो गई है, अब हम इसको बाहर निकाल देते हैं। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मेथी दाना, थोड़ा सा ज़ीरा, और ये अच्छे से हो गया है। अब हम इसमें ये चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज हमारा अच्छे से गोल्डन हो गया है, हम उसमें डाल देंगे ये टमाटर। गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे, साथ ही में इसमें डाल देंगे हम रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट जो अभी हमने कूट के रखा है वो, साथ में हम डाल देंगे इसमें नमक। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ये मैंने हाफ टी स्पून लिया है क्योंकि मैंने हाफ टी स्पून इसमें ऐड किया था, और ये धनिया पाउडर। हम इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से पक जाए। हम इसमें साथ में ऐड करेंगे नींबू का रस, हमने टमाटर कम यूज़ किया है इसलिए हमने नींबू का रस ऐड किया है। इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको हम 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। हम इसको चेक कर लेंगे। इन मसालों को हम अच्छे से ऐसे मिक्स कर देंगे ताकि हमारा टमाटर अच्छे से गल जाए। अब हम इसको चेक कर लेंगे। मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं, अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी में हमारे उबाल आ गया है,
अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये मछलियाँ जो हमने रखी हैं। ये बिल्कुल डिफरेंट तरीका है और बहुत ही ज़बरदस्त मछलियाँ बनती हैं। ये ग्रेवी वाली मछली है तो हमने इसमें ग्रेवी अपने हिसाब से रखी है, आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं। तो हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। मछली हमारी पककर रेडी हो गई है, गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और हम इसमें डाल देते हैं ये कटी हुई हरी मिर्च और हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा धनिया। ये हरा धनिया है, इसको हमने चॉप करके रखा था, हम इसमें वो डाल देंगे। आप देख रहे हैं कितना बढ़िया सा कलर आ गया है, आप हमारी रेसिपी ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, उसे हमारी भी कोई रेसिपी आती है आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसी तरह आप हमें प्यार करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियो को सपोर्ट करिए। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं, आप इसको रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारी मछलियाँ कितना बढ़िया से कलर भी आया है और माशाल्लाह कितनी देखने में ही अच्छी लग रही हैं। तो आप इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।